नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं, आपके हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो अभी हाल ही में होने वाला है, तो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे इसमें TST, PST या PRT का एग्ज़ाम है, सभी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और हरियाणा में जो स्टैट के एग्ज़ाम की घोषणा तो हो ही चुकी है, 7 और 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम है 12 में, मतलब दिसंबर में, और जल्दी ही जो इसके फार्म भी शुरू हो जाएंगे, तो महत्वपूर्ण यहाँ पर ये रहने वाला है, और क्योंकि अब तो ये लाइफ टाइम भी हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो इससे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किन के लिए होती है? विभिन्न व्यवसाय के लिए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो विज्ञान कला प्रदर्शनी, संगीत और नृत्य प्रस्तुति और विद्यालय पत्रिका जो होती है, ये क्यों जरूरी है? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला, सृजनात्मकता को उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक जो मार्ग है इसे उपलब्ध कराने के लिए। विज्ञान कला प्रदर्शनियाँ, संगीत और नृत्य प्रस्तुतियाँ या फिर विद्यालय पत्रिका निकालना, ये सृजनात्मक जो मार्ग है उसके लिए होता है। सृजनात्मक क्रिएटिविटी जो है इससे इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा समावेशी शिक्षा, उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करेंगे, जिसका संबंध ऑप्शन सी से है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, मतलब सभी को आगे बढ़ने का अवसर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बिठाना चाहिए, वे खेल का आनंद ले सकें, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए या कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए अगर कोई शारीरिक रूप से विकलांग है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में आया है, तो उन्हें भी जहाँ अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन होता है, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव या फिर आत्मसात करण तथा व्यवस्थापन। तो जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन किन के द्वारा होता है? और यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन डी को माना गया है, इसमें आत्मसात करण आ जाता है और साथ में जो व्यवस्थापन है ये आ जाता है। तो ये जो जीन पियाजे जो है, इनका मानना था कि बच्चा जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है, और यह अनुकूलन आत्मसात करण और व्यवस्थापन इनके द्वारा होता है। इसके बाद है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है, बच्चे को ध्यानपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना या बच्चे को अनुशासन में रखना। तो परामर्श में सम्मिलित नहीं है, अब परामर्श में एक नहीं है, नहीं में पूछा गया, तो ज़्यादातर जो एग्ज़ामों में नहीं में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नहीं की बात हुई है जो ऑप्शन डी में आया है, बच्चे को अनुशासन में रखना। नेक्स्ट आ जाता है, शिक्षक की सबसे जो मुख्य जिम्मेदारी है, कठोर अनुशासन बनाए रखना। तो ये इस प्रकार के जा कभी से आंसर नहीं हो सकते, कठोर अनुशासन वाले, विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, या यथा संभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी कौन सी है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। आज जो शिक्षा प्रक्रिया है, इसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक न होकर क्या है, छात्र होते हैं, बच्चे से शिक्षार्थी,
इसलिए शिक्षक की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी हो जाती है कि वह शिक्षार्थियों को उनके विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराएं, क्योंकि आज के समय में जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस जो भी है वो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही तैयार होता है, क्योंकि अलग अलग जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कोई किसी काम को जल्दी सीख लेते हैं, कोई उसे सीखने में टाइम लगाते हैं। इसके बाद है विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किन के द्वारा रखा गया है? वाइगोत्स्की, पावलो, जिन प्याजे या कोहलबर्ग। तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये था जिन प्याजे। तो जिन प्याजे जो उनका कहना था ये कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी जो करना चाहता है उसे करने दें, कड़ाई से व्यवहार करें, तो यह भी कभी से आंसर नहीं हो सकता। विद्यार्थी को कोई समस्या हल करने के लिए दें, या फिर बी ओ सी। तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो जो ऑप्शन सी में आया है यहाँ पर, विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दें, तो कुछ ना कुछ काम दे देना चाहिए ताकि बच्चे जो है उसमें उलझे रहें और जो है कक्षा में शोर वगैरह भी ना करें और कुछ ना कुछ सीखने को मिले। इसके बाद है सृजनवाद। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभा करते हैं, शिक्षक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है या व्यवहारवादी होता है? तो सृजनवाद, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से, सृजनवाद जो है ये शिक्षा बाल केंद्रित होती है। सृजनवाद जो है ये शिक्षा क्षेत्र में एक ऐसी विचारधारा है जो बाल केंद्रित शिक्षा की बाल केंद्रित जो शिक्षा उसको पोषित करती है, मतलब इसमें शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होगा? बालक होगा। इसके बाद है बच्चों में अधिगम चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होना चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, कक्षा कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो अच्छे चरित्र निर्माण के लिए क्या किया जाना चाहिए? और इनमें देखें तो ऑप्शन सी वाला है हमारा, कक्षा कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। कक्षा कक्ष में की गई गतिविधियाँ जो होती है वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं, और यदि इन गतिविधियों को सही दिशा में जा चलाया जाए, पोषित किया जाए, तो बालक के चरित्र निर्माण में जो उसे सहायता मिलेगी। इसके बाद आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का क्या सम्मान हो, जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, या जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। तो कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो ये कौन सी परिस्थिति में होगा? तो इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन ए वाला बनेगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाएगा और उसकी भावनाओं का क्या है कदर होगी, उसका सम्मान होगा। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? सीखने हेतु सीमित अवसर हो, बच्चे को तो याद करने के लिए कहा जाए, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, या जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। तो कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? सहायक कौन सी होगी? जो ऑप्शन डी में आई है, जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। सृजनात्मकता किसी बालक की वह क्षमता है जिसमें वो कुछ ऐसा पैदा कर सकता है जो पहले से ज्ञात न हो। यदि बच्चे को स्वयं करके सीखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाए तो उनमें क्या है सृजनात्मकता का विकास होगा। तो कुछ काम दे दिए जाने चाहिए जिससे बच्चे अपने आप ही कराए सब, जैसे कोई क्वेश्चन ही दे दिया जाए कि अपने जैसे अपने आप ही अपने तरह से हल करो, तो इससे बच्चे जो आइडिया लगाएगा और सोचे विचारेगा, तो बच्चे का जो इस प्रकार से जो कोई भी काम है वो अपने आप करने के लिए दे जाना चाहिए। इसके बाद है, सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्रबाधित विद्यार्थी के पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहोगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे,
तो इस प्रकार के कभी भी सेंसर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति ही थी, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे, उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसी को माना गया है, क्योंकि एक क्लास जो होती है उसमें सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाना होता है। इसके बाद है विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किसके द्वारा होता है। विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन, अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कितना विकास होगा, अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, दोनों या कोई सभी नहीं। तो इसमें देखें तो ऑप्शन बी जो इसको माना गया है। तो विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा प्रदर्शन, अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। अनुवांशिकता जैसे कोई बच्चा उसमें जो जीन होता है उसके जो पूर्वज हैं उन्हीं से मिलते हैं, किसी का माता पिता काले हैं तो आपका बच्चे भी या 99% रहेंगे कि वो काला ही होगा। बच्चे अगर किसी के माता पिता ऊँचे कद के हैं तो ये भी जाए यहाँ पर संभावना रहेगी कि उनका बच्चा भी लंबा ही होगा, अगर छोटे कद का है तो संभावना रहेगी कि छोटा ही होगा। तो इस प्रकार से जाए प्रभाव जरूर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, उत्तर देने के साथ साथ उस शिक्षण या उत्तर देने के पर्याप्त विलंब के पश्चात, विलंब मतलब देर से, तो ऐसे तो कहीं भी सेंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रिवार्ड का मतलब क्या है, रिवार्ड का मतलब है तुरंत एकदम से जो कह सकते हैं कि उसको जो उसका लाभ मिलना चाहिए, जैसे उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, या कोई बच्चा क्वेश्चन पूछा और उसने अच्छा आंसर दिया एकदम से उत्तर सही दिया तो उसकी जो शाबाशी दी जानी चाहिए ताकि बच्चे में जो है हौसला बने और उसकी देखम देख जाओ और बच्चे में भी सीखें। क्योंकि जैसे किसी बच्चे ने अच्छा काम किया उसको कोई इनाम में कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दो, एक दो पेन, एक पेन दे दिया या पेंसिल दे दिया, तो बच्चे सीखते हैं कि इसने अच्छा आंसर प्राप्त किया और इसको जो यहाँ पर इनाम मिला, तो और अन्य बच्चे जावे भी फिर सीखते हैं कि मुझे भी जा रिवार्ड लेना है तो मैं भी जा उसकी में देखें देखा अच्छा अच्छा काम और करते हैं। इसके बाद है नया गतिशील प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। अधिगम के लिए निदान, अधिगम के साथ साथ निदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर उलझाता भी है। तो नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र क्या प्रदर्शित करता है और ये करेगा अधिगम के लिए निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण। नेक्स्ट आ जाता है पांचवी कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को किसका संकेत माना जाना चाहिए, उनकी अधिगम कुशलता में कमी को, अधिगम चरण को, अधिगम अक्षमताओं को या अधिगम के प्रति उनकी अबोधता को। तो पांचवी कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को किसका संकेत माना जाना चाहिए, तो यह उनके अधिगम चरण का। इसके बाद है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया को, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना या फिर नैतिक यथार्थवाद, तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा, तो नैतिक तर्कना इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत, वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन ये इंगित करता है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन ये इशारा करेगा, तो ये करेगा किसकी ओर, जो ऑप्शन सी में आया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र की, भावनात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन की ओर। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है, तो किसका उदाहरण है, मतलब जैसे मैथ का क्लास थी उसमें बच्चे ने क्वेश्चन हल किया है और उसी की मदद से जाओ नेक्स्ट जो क्लास है भूगोल की तो उसमें भी किसी क्वेश्चन को हल कर लेता है, तो ये सकारात्मक अंतरण है, नकारात्मक है, शून्य या कोई सा भी नहीं है, तो इसको
क्या कहा जाता है। अगर पहली क्लास में बच्चे ने कुछ पढ़ा और उसी के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को हल कर लेता है तो इसको क्या कहा जाएगा, सकारात्मक अंतरण। इसके बाद है, विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, तो इसका प्रमुख जो संभाव्य कारण कौन सा हो सकता है। बालिकाएं प्राय गणित में कमजोर होती हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। मोनिका के माता पिता शिक्षित हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता। गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है या कठिन कठिन विषय है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो इनमें ऑप्शन सी जो है इसी को मान रहे हैं कि गणित शिक्षण प्रभावी नहीं रहा। इसके बाद है, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित हैं, विद्यालय भवन में पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा विद्यालय भवन का अभाव, अशिक्षित माता पिता, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव या पेयजल सुविधा का अभाव। तो कौन सी है सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर? सबसे बड़ी जो बाधा है यहाँ पर यह है समस्या समाधान की, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव है। इसके बाद है, गतिविधि आधारित शिक्षा ये किस पर बल देता है? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, निश्चित अवधि से गतिविधि पूरे करने, खेलने या फिर अनुशासित कक्षा में। तो गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? और यहाँ पर जो ऑप्शन ए में है, किस पर देगा गतिविधि आधारित शिक्षण बल? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। इसके बाद यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह किसकी ओर इशारा करता है? अध्यापक केंद्रीय शिक्षा की ओर, बाल केंद्रीय शिक्षा, मूल्यांकन केंद्रीय शिक्षा या प्रशिक्षा केंद्रीय शिक्षा की ओर? यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, तो यह किसके बारे में बतला रहा है? बाल केंद्रीय शिक्षा की ओर। तो बहुत से आपने देखा भी होगा कुछ चीज़ें जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, छोटे बच्चा जो है उसे एकदम से सॉल्व कर लेता है। तो ज़रूरी नहीं है जो बात आपको पता हो वो छोटे बच्चे को ना पता हो, या जो आपके जो काम आप नहीं कर सकते हो छोटा बच्चा नहीं कर सकता। कई बार क्या है, छोटा बच्चा जो है वो भी एक सीख सिखा देता है। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रावधान की घटना बढ़ जाती है या पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो किशोरों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही कथन जो है ऑप्शन सी में आया है यहाँ पर, संवेगात्मक प्रावधान की घटना बढ़ जाती है। चार अवस्थाएं मान जाती हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। तो 12 से 18 वाला जो है ये किशोर अवस्था में और 18 से ऊपर वाला युवा अवस्था में बच्चा आता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण है, परीक्षाओं की संख्या, आनुवंशिकता या फिर वातावरण है। तो व्यक्तित्व विकास में एक मुख्य जो निर्वाह करता है, मुख्य जो भूमिका है वो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में आई है, कौन सी? आनुवंशिकता और वातावरण, इनका मिश्रण जैसे माना गया है। क्योंकि एक व्यक्तित्व जो होता है उसके विकास में जो पूर्वजों के जो गुण हैं वे भी बहुत मायने रखते हैं, और साथ में जो परिवार या आस पड़ोस का जो वातावरण है वो भी बहुत मायने रखता है। तो अगर बच्चे गंदे माहौल में रहेंगे तो गंदी आदतें सीखेंगे, और इसके अलावा जो आनुवंशिकता है इसका भी बहुत प्रभाव है। बच्चे के माता पिता कैसे हैं तो इसका भी एक बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता में कोई बीमारी है तो वो आगे बच्चे में भी होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं कार्य निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक कार्य में व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है, केवल कार्य निर्देशन की आवश्यकता है, केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है उच्च प्राथमिक स्तर पर? इनमें देखें तो ऑप्शन बी को यहाँ पर माना गया है, शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिक जो निर्देशन है इसकी आवश्यकता है। इसके बाद आ जाता है, बच्चों में नैतिक मूल्यों की विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को
नैतिक उपदेश देना, जातियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों में बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों को नैतिकता एवं अनैतिकता के बीच में अंतर करना सिखाना। तो बच्चों में नैतिक मूल्यों की विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? उचित तरीका जो है यहाँ पर ऑप्शन सी में जो बताया गया है, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। इसके बाद आ जाते हैं राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 7 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण कौन करती है? तो यहाँ पर राज्य जो है स्टेट स्तर पर पूछा गया है, राज्य स्तर पर। तो इनका जो पाठ्यचर्या का जो निर्माण करती है, ये जो ऑप्शन ए में दी गई है NCERT, तो यही जो निर्माण करती है, सॉरी ये SCERT, क्योंकि राज्य की बात है तो ये SCERT। इसके बाद है मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार कर देते हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर अलग बैठने की व्यवस्था करने तो सहमत हो जाएंगे, उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करेंगे, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, या आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन ही बंद कर देंगे। तो अगर कुछ उच्च जाति के या निम्न जाति के आपस में जाने में बैठने से मना कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा? तो उन्हें क्या है, सहमत कर लेंगे। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर बाल विकास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद जो हमारे यहाँ पर हिंदी ग्रामर जो है, इससे जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ये आ जाते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने वन विचार जहन से क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया है, जिसमें क्वेश्चन है अनुवांशिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक मुँह या फिर कान? अनुनासिक, यमगणना नाम अनुनासिका। संस्कृत में एक सूत्र आता है यमगणना नाम अनुनासिका। ये जो क्वारग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पवरग जो होते हैं, इनके जो अंतिम अक्षर होते हैं लास्ट वाले, तो इनको अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि इनका जो उच्चारण है नाक से होता है। तो जो ऑप्शन ए में आया है यहाँ पर। इसके बाद जो आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, और इसका जैसे कुआं, चांद, अंधेरा, तो ये कुछ उदाहरण हैं। तो नासिक स्वर के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की सहायता लेनी पड़ती है, और जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होगा वे अनुनासिक कहेंगे। तो ये जो चंद्रबिंदु जो होती है, जैसे यहाँ पर ये इस पे आई है ये वाली। इसके बाद है इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अ, इव, र, या झ, मानक वर्णों का विकल्प, और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ये है अमानक वर्णों का विकल्प। तो हिंदी जो है इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जो कि वर्तमान समय में चलन में नहीं है, अथवा हिंदी के मूल वर्णों में शामिल नहीं है, तो ये आएंगे अमानक वर्णों की श्रेणी में। ये हम अपनी जो देसी भाषा है ईव उसमें कह देते हैं, तो ये नहीं आते हैं इसमें। इसके बाद इनमें से उच्चारण स्थान कंठ है, जो हमारे जो गला है इससे उच्चारण होता है। अब कौन कौन से ऐसे हैं जिनका उच्चारण होता है? तो इसमें भी अपूह विसर्जन कंठ होता है, अ, क्वर, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण हमारे गले से होता है। आप क्वरग में देख सकते हैं क ख ग ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रयत्न के आधार पर ल जो है ये किस प्रकार की ध्वनि है? उत्क्षिप्त, परकंपित, पार्श्विक या संघर्षहीन? ल जो है ये कौन सी है, और इसको कहा गया है पार्श्विक ध्वनि। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? स्वर, उपसर्ग, अनुस्वर या विसर्ग? तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वही होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसके बिना ही नहीं बोले जा सकते हैं, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। और स्वर इनको बोलने के लिए व्यंजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन को स्वरों की जरूरत पड़ती है।
नेक्स्ट आ जाते हैं तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तालव्य और महाप्राण और घोष ठ झ छ थ कौन सा है। इच व्य सनाम तालु होता है, इच वर्ग या उर्सा, इनका उच्चारण तालु से होता है। और अलप प्राण पहला तीसरा पांचवा वर्ण, महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण यह आता है। इसी प्रकार से घोष है, इसमें जो लास्ट का है चौथा पांचवा यह आ जाता है और अघोष में पहला दूसरा तीसरा वर्ण आता है। तो अब यहाँ पर ये तीनों में जो देखें कौन से वाला बनेगा, तो इसमें जो झा जो ये आया है तो च वर्ग व्यंजनों के उच्चारण स्थान तालव्य है, और जिनमें छ और झ महाप्राण है, तो जिसमें छ और झ ये महाप्राण है क्योंकि दूसरा और चौथा इसमें भी है, और छ अघोष तथा झ घोष है, इसलिए झ तालव्य महाप्राण घोष वाले व्यंजन है, तो इसमें जो है झ को माना गया है। इसके बाद है कंठ अलप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ अलप्राण, अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है, तो जो ऑप्शन यहाँ पर डी में है। अब अलप्राण में जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें पहला तीसरा पांचवा आ जाता है, और कंठ अकुह विसर्जनम कंठ है, अकवर्ग ह और विसर्ग इनका विचार जो उच्चारण है हमारे गले से होता है, तो अंतिम जाइए आ जाएगा। महाप्राण में हमने पढ़ा दूसरा और चौथा आता है। इसके बाद है इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, वृष्टि में, रिपु में, वर्षा में या फिर क्रिया में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो री की मात्रा का जो यहाँ पर उपयोग हुआ है वृष्टि में, किसमें हुआ है वृष्टि में। इसके बाद है जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं, संयुक्त, मूल, गुरु या लघु स्वर, तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगेगा तो क्या कहा जाएगा उसको, दो मात्राएं का, तो जैसे हर्षव दीर्घ और प्लोत, स्वर के तीन भेद हैं हर्षव दीर्घ प्लोत, तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कितने भेद होते हैं तीन, हर्षव दीर्घ और प्लुत। हर्षव जिसे बोलने में कम समय लगे, दीर्घ इससे दोगुना समय लगे, और प्लुत इन दोनों से ज़्यादा समय लगे, जो ओम में जो आता है। तो दो मात्रों का समय किस में लगेगा, अब यहाँ पर दो मात्रों का समय लगेगा जो ऑप्शन सी में है, गुरु में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो वर्ण दिए गए हैं घ ग ड ठ त अघोष व्यंजन है, एक दो चार या तीन, तो कितने हैं यहाँ पर अघोष। अघोष हमने पढ़ा तो जिसमें पहले जो तीन हैं वो आ जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से हैं जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिए गए हैं, तो दो जाए यहाँ पर इसमें आ जाएंगे। इसके बाद है इनमें से व्यंजन उष्म है, अब उष्म जो व्यंजन है ये कौन सा है। उष्म क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो वायु गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है, तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है स स ह, इनको कहा गया उष्म, चार ये होते हैं। नेक्स्ट है तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तालु से बोले जाते हैं, महाप्राण भी है और अघोष भी है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं छ जो यहाँ पर इसमें ये माना गया है। अब यहाँ पर जो है इसमें ये दो क्वेश्चन हैं एक जैसे, आपने पहले भी देखा होगा ये दो क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो इसमें अघोष है और उसमें घोष है। तालव्य वर्ण जो ई चवरक या उर्षा होते हैं, अलप्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण, और महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है, और अघोष में पहला दूसरा वर्ण, और घोष या सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है।
तो इस प्रकार यहाँ पर अघोष पूछा गया था। तो अघोष में पहले दो आ जाते हैं जिसमें छ ये आता है, तो इसी कारण से इसको यहाँ पर माना गया है। तो ये आप याद रखिए, कई बार उलझाने के लिए आ जाता है कि देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, इसमें अघोष है वो घोष है, तो ये अंतर है इसमें, क्योंकि हमने सभी जो यहाँ पर इनको वर्णों को देखना है। इसके बाद है अई के उच्चारण में और डैश की सहायता ली जाती है, मतलब जो अई है ये बोला जाता है किसकी सहायता से, तो अ दैत्व कंठतालु होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये हमारे कंठ और तालु से बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर है वर्ण विच्छेद द अ क स अ, इसको बनाएंगे तो कौन सा वर्ण बनेगा, तो कौन सा शब्द यहाँ पर बन पाएगा, ये वर्ण विच्छेद हुआ है, इसको जब हम मिलाएंगे तो दक्ष जो है ये बनेगा, कौन सा बनेगा, दक्ष बनेगा जो ऑप्शन ए में आया है। क और स ये सूक्त वर्ण है, अक्षा जो इनके मिलने से बनता है। इसके बाद है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये कब हुआ था, 67 में, 65, 66 या 68 में, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो कब हुआ था ये, वर्ष 1967 में। इसके बाद है ओष्ठ अलप्राण घोष, वर्ण का उदाहरण कौन सा है, अब यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे जो होठ हैं इनसे कौन कौन से बोले जाते हैं, उपपद्यमानम ओष्ठ होता है, उपवरग, पूरक जो होता है ये होठ से बोला जाता है। अलप्राण के बारे में हमने पढ़ा, इसमें पहला तीसरा पांचवा आएगा। अब घोष है, घोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, अब वह आप देख सकते हैं इसमें कौन से वाला बनेगा, तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला, तो प प ब, मतलब तीसरे वाला होना चाहिए, प प ब। इसके बाद है हिंदी में अलप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, अलप्राण की 15, 31, 30 या 29, अलप्राण, अलप्राण जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, तो इसमें देखें तो कौन सी है, तो इसमें जो 31 जो इनकी संख्या मानी गई है, तो इसमें 15 जो स्पर्श वर्णों को माना गया है, 4 जो है अंतस्थ को माना गया है, 1 जो है यहाँ पर उत्क्षिप्त को माना गया है, और 11 जो है ये स्वर आ जाते हैं, तो 31 जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। इसके बाद है इनमें से वर्ण अघोष है, अघोष हमने पढ़ा पहला दूसरा वर्ण आता है इसमें, अब इसमें कौन से वाला है, ऑप्शन सी वाला, चौ यही आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कंठ महाप्राण और घोष, व्यंजन वर्ण इसका उदाहरण कौन सा है, इस प्रकार का आपको देखने को जरूर मिल सकता है, तो इसमें कौन सा है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन। अब इनमें अगर हम देखें तो घोष में हमने पढ़ा भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, अलप्राण और महाप्राण, महाप्राण में दूसरा और चौथा आ जाता है, और कंठ वर्ण, अब इनमें देखें तो ऑप्शन डी वाला बनेगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, कंठ तालव्य कंठ तालु से दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है, तो ए जो है ये आया है। इसके बाद है इनमें से री की मात्रा का उपयोग हुआ है वृष्टि रिपु वर्षा या क्रिया में, तो इसमें किसमें हुआ है, अब इनमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो री जो है यहीं पर इसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर ओष्ठ अलप्राण और घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण पूछा गया है, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर भी हमने सिर्फ वैसे ही ध्यान रखना है, तो ओष्ठ वर्ण अलप्राण पहला तीसरा पांचवा और घोष दूसरा चौथा, मतलब घोष तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तो इसमें कौन सा है, और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी में, क्योंकि ओष्ठ
अलप्राण, अलप्राण में पहला तीसरा पांचवा आता है, घोष सघोष में तीसरा चौथा पांचवा आता है, तो बाजा ये माना गया है। तो बस ये आपने बना के देख लेने हैं, तब आपको सही से निकल जाएगा ये। इसके बाद आ जाता है देवनागरी लिपि में किए गए सुधार अक्षर में पंचम अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव ये दिया था, श्याम सुंदर दास, काशी नागर प्रचारणी, सावरकर बंधु या बाल गंगाधर तिलक ने। तो जो पांचवा अक्षर होता है अनुनासिक वाला, तो इसके बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था, और ये जो ऑप्शन ए में आए हैं यहाँ पर, तो ये थे श्याम सुंदर दास ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दांत है, तो हमारे दांतों से जो बोला जाता है, तो लिरे तुलसानाम दंतम होता है। अब यहाँ पर देखिए लिरे और जो त्वरक है, तो इसका उच्चारण हमारे दांतों से होता है, जो ऑप्शन सी में आया है। इसके बाद है मूर्धन्य हर्षर स्वर का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन्य हर्षर स्वर का री ए उ या ई, मूर्धन्य हर्षर स्वर, अब इसका जो है ऑप्शन ए वाला है, कौन सा है, यहाँ पर री जा जाता है, री री टूर्सा नाम मूर्धा, री ट्वर, इनका उच्चारण हमारे मूर्धा से होता है। नेक्स्ट आ जाता है ग ज छ च ट, तालव्य, महाप्राण और घोष, ये आपने, तो इसमें देख सकते हैं कितने हैं, गा जा छ च ट, कितने वर्ण हैं जो तालु भी हो, महाप्राण भी हो और घोष में भी आते हो। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, तो मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसमें कोई भी जो है यहाँ पर वर्ण नहीं आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क ख ग, तीसरा है च छ ज, तीसरा है च छ, दूसरा है पहला है पहला है। अब ये तो हो गए तालु, तालु में तो सारे ही आ जाएंगे। अब अलप्राण महाप्राण, महाप्राण में आ जाते हैं दूसरा चौथा, घोष इसमें आता है तीसरा चौथा पांचवा। अब कितने वर्ण हैं यहाँ पर जो तालु भी हो, महाप्राण भी हो और घोष भी हो। अब दूसरा और चौथा तो यहाँ पर लग रही है बात, लेकिन तीसरा भी होना चाहिए था, जो तीसरा इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब जो है यहाँ पर जीरो इसमें वर्ण है, क्योंकि अघोष में पहला दूसरा आता है, घोष या सघोष में तीसरा चौथा पांचवा, अलप्राण में पहला तीसरा पांचवा, महाप्राण में दूसरा चौथा, तो इसी कारण से जाए यहाँ पर ये जीरो वर्ण इसमें माने गए हैं। इसके बाद है इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है, फ ड ढ या ज से, तो इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर वर्ण है ऑप्शन बी वाला, तो इससे आपने देखा होगा कोई भी वर्ण आज तक नहीं बना है, जिसका मतलब शुरुआत जो है इससे हुई हो, तो ये नहीं है। इसके बाद है तालव्य व्यंजन, इसका उदाहरण कौन सा है, तो इच्छु ऐसा नाम तालु होता है, इच वर्ग या और सा, तो इनका उच्चारण जो है तालु से होता है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिए गए हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, छ जो है जो ऑप्शन बी में है यहाँ पर, तालव्य जो है इसका होगा इच वर्ग या और सा, तो ये तालु से बोले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जिन स्वरों का उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती हो तो उन्हें कहेंगे निर अनुनासिक स्वर, अनुनासिक मौखिक या लुंठित स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में हवा नाक से निकलती हो तो क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा अनुनासिक स्वर, जैसे गांव, आंगन, दांत, सांचा, ये चंद्रबिंदु वाले जो होते हैं। इसके बाद है इनमें से अंतस्थ व्यंजन, ल प च या ट, अंतस्थ व्यंजन है जो ऑप्शन ए में आया है यहाँ पर, ये जो ला जो है या र ल, ये अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, और य और वा इनको अल्पस्वर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग से
जीव के भाग के आधार पर होगा तो कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अगर मध्य विवृत या पश्चवा। अब नहीं में पूछा गया है कौन सा, और जो ये ऑप्शन डी में दिया गया है विवृत जाइए नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो जीव होती है इसके तीन भाग है, एक तो सबसे आगे का भाग है चोंच वाला, एक बीच का भाग, एक सबसे बाद का भाग। तो अगर मतलब आगे, ये मध्य वाला, ये बाद वाला। इसके बाद है इनमें से संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त वाला नहीं है, अब कौन सा है, और जो ये ऑप्शन सी में दिए गए हैं ये नहीं है। तो इस प्रकार से जमा आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।